हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आर्या चैनल। आज मैं आपको एक और नई चीज़ बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है ये एक बचा हुआ कपड़ा टुकड़ा है फ्रेंड्स, और ये मेरा पुराना टॉवल है फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही हूँ न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक बेडशीट बनाना फ्रेंड्स। मेरा भतीजा हुआ है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं बेडशीट बनाकर भेज चुकी हूँ दो तीन, बट डिमांड आई है कि और बना दो दीदी। तो चलो हम आज उसके लिए बचे हुए कपड़ों से बेडशीट ही बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टॉवल है ये मुझे बहुत डल सा लग रहा है, और ये जो कपड़ा है ये मेरी नाइटी थी फ्रेंड्स, मैं इसको यूज़ नहीं करती थी, और इसका जो प्रिंट है वो मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कलरफुल है। तो मैं सोच रही हूँ इसको ऊपर रखूँ और इस वाले कपड़े को मैं इसके अंदर रखकर इसको चारों तरफ से सिलाई करके और कुछ अच्छा सा पैटर्न देके मैं इसमें बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो कपड़ा है डबल लेयर में है, और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको दिख पा रहा है तो यहाँ पर मुझे एक छेद लग रहा है। ये मेरा डबल लेयर में कपड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको यहीं से कट कर दूँ। तो हम इसे कट कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कट कर दिया है, और अपना ये वाला कपड़ा जो है ये मैं इसके अंदर सेट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पुराना टॉवल बीच में कर दिया है, और ऊपर से अपनी ये वाली नाइटी मैक्सी रखती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से आएगा ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये जो कपड़ा है हमारा, इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, मैं इसे कट कर दूंगी फ्रेंड्स और इसके चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी, और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना कपड़ा रखा है सीधा, और इसके ऊपर मैंने अपना टॉवल बिछा लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसके थ्री साइड से इसको सिलाई करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, थ्री साइड से, ये हमारी थ्री साइड हो गई फ्रेंड्स यहाँ तक, और ये साइड मैं छोड़ दूंगी। थ्री साइड इसको मैं सिलाई करने के बाद पीछे पलट दूंगी फ्रेंड्स, पलट दूंगी, टर्न कर दूंगी फ्रेंड्स, तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके किनारों पर सिलाई लगा ली है, मेरा कपड़ा सीधा है। ये देखिए फ्रेंड्स, तीनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको आपको पलट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पलट दिया है, ये हमारे कॉर्नर भी अच्छे से बाहर आ गए हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा कपड़ा सीधा हो गया, तीनों तरफ की हमारी सिलाई अच्छे से लॉक हो गई है, इसमें फिनिशिंग आ गई है। इसके बाद फ्रेंड्स, इस तरफ का ये जो कपड़ा है मैं इसे यूँ सीधा इसके ऊपर रख कर और बस इसकी तीनों तरफ से सिलाई लगा दूंगी, और बीच में अच्छा सा पैटर्न दे के इस पर सिलाई लगा दूंगी, तो ये देखने में अच्छी सी बेडशीट लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका लुक जो है वो कुछ ऐसा आएगा सिलाई होने के बाद। ये देखिए, ये दोनों तरफ से ऐसे दिखेगी फ्रेंड्स। मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चारों तरफ से सील लिया है। चारों तरफ से मैंने इसको सीलने के बाद फ्रेंड्स, इसका लुक ये है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमारा ऊपर ये ही कपड़ा है और टॉवल अंदर चला गया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में इसका फाइनल लुक ये है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी वेस्ट कपड़ों का यूज़ कर सके फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल बटन, और मेरे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल पर चेकआउट ज़रूर कीजिए। मैंने हेयर और स्किन वगैरह के लिए बहुत कुछ वीडियो बनाए हैं फ्रेंड्स, उसको देखिए, और आपको अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।